अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर तरह की परेशानियों, मुसीबतों, तकलीफ़ों और बीमारियों से दूर फरमाए और हमेशा खुश व आबाद रखे। आमीन सुबह आमीन। प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बना रही हूँ और बहुत आप दावत में भी तैयार कर सकती हैं और ये बहुत क्विक रेडी है, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने हाफ़ किलो इसी पॉट में जिसमें मैं पकाऊंगी, तो ये मैंने तकरीबन हाफ़ किलो ले लिए, बोनलेस चिकन है। और इसमें 2 टेबल स्पून्स मैंने ऑयल भी डाल दिया है और इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डंप कर दूंगी। ये हाफ़ प्याज है, तकरीबन मैंने हाफ़ प्याज कट कर ली थी। ये टोमेटो है, तकरीबन एक दरमियाना है टमाटर ये। और ये मैंने बटर लिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने बटर लिया है। ये एक कप मैंने दही लिया है। और ये स्पाइसेस हैं, ये है बटर चिकन का मसाला है, ये बटर चिकन का ये मसाला है, कोई भी अच्छे पैकेट का आप ब्रांड का ले सकते हैं। तकरीबन 2.5 टेबल स्पून्स मैंने लिया है। और ये तंदूरी चिकन भी का पाउडर भी मैंने तकरीबन यही सेम क्वांटिटी ली है, 1.5 टेबल स्पून्स। और ये ब्लैक पेपर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक पेपर है। और तकरीबन है 1/4 टीस्पून है, नहीं हाफ, सॉरी, ये 1/2 टीस्पून है ब्लैक पेपर। और रेड चिल्ली पाउडर भी मैंने 1/2 टीस्पून रखा है क्योंकि मुझे अब इसमें रेड हॉट चिली सॉस भी मिलाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मैं चिकन के अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी, या डेढ़, हो सकता है डेढ़ भी डाल दूँ मैं, देखते हुए 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून मैं डाल सकती हूँ। ये रेड चिली सॉस है, ये भी तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी। आप देख लीजिएगा कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी। और ये केचप भी मैंने लिया है, ये मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी ये केचप। और ये मेयो है, सॉरी, ये मेयो मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून्स मैं डाल दूंगी ये मेयो भी। और ये जो बटर है ये लास्ट में मैं डालूंगी जब वो डिश तैयार हो जाएगी, तो ऊपर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून्स या 3 देखते हुए मैं डाल दूंगी कि कितना मुनासिब रहेगा। तो ये सबसे लास्ट पे मैं डालूंगी ये बटर, जब वो डिश तैयार हो जाएगी तो उसके ऊपर मैं ये डाल दूंगी देगची में, अपने पॉट में। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब मैं इसमें ये चिकन में मैं डाल दूंगी, इस हंडिया में, इस पॉट में मैं डाल दूंगी। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल में ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट जो है स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। स्टेप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काम शुरू करने से पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी। और ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें इस चिकन में, सब जो मैंने आपको चीज़ें जो बताई थी वो सब मैंने इसमें डाल दी हैं। इसमें नमक मैंने 1 टी स्पून डाला है और कोई और चीज़ शायद मैं जी, ये चिकन जो था 1/2 kg था, तो 1/2 किलो था ये। और उसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी थी तो वो सब मैंने इसमें डंप कर दी हैं। तो अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, जब ये भून जाएगा तो फिर मैं ऊपर से बटर डालूँगी। तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। ये मैंने मेयो जो तकरीबन 2.5 टेबल स्पून कर दिया था, मैंने 2 टेबल स्पून बताए थे लेकिन थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया था, तो तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैंने कर दिया। देखिए प्यारे दोस्तों, ये भुनने पर आ गया है और देखते रहना इसको कहीं ये नीचे से ना लग जाए, क्योंकि
थोड़ा सा लगता है ऐसा है जैसे स्टिकी है, तो इसलिए इसको देखते रहना चाहिए। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डालिएगा, जो मैंने स्पाइसेस जो बताई थी, रेड हॉट चिली सॉस और किसी भी लाल मिर्च डाली थी, ब्लैक पेपर जो था ब्राउन वो मैंने डाला था। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि तीन चीज़ें बहुत स्पाइसी होती है, तो ये आपकी हंडिया को बहुत स्पाइसी कर सकती हैं। तो मैंने अपने हिसाब से डाला है, थोड़ा सा मैं स्पाइसी खाती हूँ, तो ये इसलिए आप लोग एहतियात से डालिएगा। और मैंने जो प्याज आपको जो बताई थी वो एक बड़ी प्याज थी, वो हाफ लीची का हाफ कट करके इसमें डाली थी मैंने। तो आप दरमियानी प्याज डाल सकती हैं इसके अंदर, पूरी होल दरमियानी प्याज है मीडियम साइज़, वो आप डाल सकती हैं। तो ये देखें भुन रहा है, और मुस्तकिल में मुस्तकिल तो यह नहीं खड़ी हुई थी मैं, लेकिन है ना आकर मैंने इसको चेक किया है, तो ये तकरीबन भुनने वाला है ये। तो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊँगी, डिश आउट करके बताऊँगी आपको। प्यारे दोस्तों ये देखिए, ये ऑलमोस्ट भून चुका है, ये आपको सॉरी ये हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऑलमोस्ट जो है ये देखें रोगन ऊपर आ गया, तो ये भुन चुका है। तो आप चाहें तो भुना हुआ रख सकते हैं, और क्योंकि मुझे ड्राइड ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो खुश्क सा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं इसमें हाफ कप पानी मिलाऊँगी। और ये ऑलमोस्ट हो चुका है, ये मैं इसके अंदर अब पानी मिला देती हूँ, थोड़ा ये और हो गया, ये अब मैं पानी मिला देती हूँ हाफ कप। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा रोगन आ गया, अब मैं पानी डाल देती हूँ हाफ कप। थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, हल्का हल्का सा लूज मुझे अच्छा लगता है, इसमें एक दो उबाल आ जाएंगे, तो होगा ये थिक ही होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा ये। देखिए बहुत ज़्यादा भुना हुआ मैं पसंद नहीं करती, लेकिन आप रख सकते हैं भुना हुआ अगर आपको पसंद है। ये थोड़ा सा पक जाए अच्छी तरह, तो मैं इसके ऊपर दो तीन उबाल आ जाएं तो फिर मैं इसके ऊपर मक्खन डाल दूँगी और ये बंद कर दूँगी, और फिर मैं इसको फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। देखिए उबाल आ रहा है, इसमें बॉइलिंग अच्छी तरह हो रही है, ये देखिए ये बटर में 2 टेबल स्पून डाल दूँगी, ये इसी में मेल्ट हो जाएगा। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, मैंने वो ओवन बंद कर दिया है, और इसमें ये 1 टेबल स्पून डाल दिया, ये दूसरा भी तकरीबन 2 टेबल स्पून हो जाएगा, इसको भी मेल्ट हो जाएगा इसमें, और मैं इसको ढक दूँगी। ये इस तरह कर देती हूँ, निकल मेरा ये अब हुआ है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हो गए हैं, अब मैं इसको ढक दूँगी, ये मेल्ट भी हो जाएगा, और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। प्यारे दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये करी, खूबसूरत सा कलर है, और बहुत मज़ेदार भी है, और झटपट भी तैयार हो गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे वो अंदर ही घर में ही थे, तो वो भी सारे देखें, और ये इतना आपको मज़ेदार लगेगा, ये आप इसको नान के साथ भी घर की चपाती से मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं लगेगा, मैं नान ही यूज़ करती हूँ, और हम लोग नान ही यूज़ करेंगे, और साथ में प्लेन राइस रख दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्लेन राइस, हर चीज़ के साथ रखती हूँ, तो ये राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये ज़रूर बनाइएगा, और दावत में भी रखिएगा, सब तारीफ़ करेंगे। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।